राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चोर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, चोर दिन दहाड़े भी चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीमापुरी इलाके के अंतर्गत दिलसाद गार्डन J&K ब्लॉक का है, जहाँ दिन के उजाले में चोरों ने एक बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया और चोर 5 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी के साथ करीब 15 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। यह चोरी की घटना CCTV कैमरे में भी कैद हो जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से चोर घर के दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं और ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे डालते हैं। इस घटना के चलते क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना था कि वह कुछ घंटों के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ अपना मकान बंद करके गए थे। चोरों ने दिन दहाड़े ही इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस CCTV कैमरों के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। सिटी न्यूज संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम मनोज गुप्ता है और मैं ये दिलसाद गार्डन में रहता हूँ। ये मेरा अपना मकान है और पिछले 30 साल से मैं 30-32 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और कल मैं मेरे डॉटर जिसकी शादी हुई है अभी नहीं, मैं उनके यहाँ सकरात देने गया हुआ था। करीब 11 बजे मैं घर से निकला हूँ और वहाँ से मैं करीब 5 बजे आया हूँ। तो जैसे ही मैं 5 बजे मैंने गाड़ी पार्क करी और मैंने देखा मेरा बाहर गेट का ताला खुला पड़ा था, टूटा पड़ा था। उसके बाद अंदर का दरवाज़ा देखा मैंने, तो मेरा मेन दरवाज़ा पहले सामने डाइनिंग रूम का दरवाज़ा था, उसको तोड़ने की कोशिश करी गई तो वो नहीं टूटा। तो दूसरा दरवाज़ा लोहे का गेट था, उसका ताला तोड़ा। फिर उसके पीछे लकड़ी का गेट था, उसका इंटरलॉक उन्होंने पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया। उसके बाद वो अंदर गए, अंदर जाके पीछे जहाँ मेरे गोदरेज की अलमारी रखी है उन्होंने सारी अलमारी खोल दी। मेरा उसके अंदर जो लॉकर लगा हुआ था वो लॉकर तोड़ के सारा जितना भी कैश और ज्वेलरी थी वो सब ले गए। और उसके बाद मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करा और पुलिस से सब पूरी टीम आई थी, तो मेरे यहाँ CCTV लगा हुआ था और CCTV पे बकायदा उसमें रिकॉर्डिंग देखी गई। उसमें मतलब गाड़ी आई है, उसमें एक आदमी गाड़ी में बैठा हुआ था चार आदमी गाड़ी से उतर के आए हैं। पहले वो घर के सामने से निकले, साइड से ऊपर गए, ऊपर से फिर नीचे आए, नीचे से आके फिर उन्होंने पहले दो आदमी आए, उन्होंने पहले मेन गेट का ताला तोड़ा जिसमें रिकॉर्डिंग में दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो अंदर गए, सामने ड्राइंग रूम का दरवाजा था, पहले दो जनों ने रॉड डाल के उसको तोड़ने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं टूटा। फिर 3 जने आ गए, फिर भी नहीं टूटा। फिर 4 जने हो गए, वो फिर भी नहीं टूटा। और बहुत कोशिश करी, दरवाज़ा डैमेज हो गया लेकिन दरवाज़ा वो टूटा नहीं। और उसके बाद वो दूसरा जो दूसरे बेडरूम का दरवाज़ा था, लोहे का दरवाज़ा था, पहले उसका ताला तोड़ा। उसके बाद लकड़ी का दरवाज़ा तोड़ा, लकड़ी में इंटरलॉक लगा हुआ था, लैच लॉक लगा हुआ था, उसको तोड़ के वो अंदर गए हैं। और पीछे जो मेरा एक स्टोर रूम है जहाँ पर मेरी सारी गोदरेज की अलमारी रखी है, वहाँ उन्होंने उसमें उसके ताले तोड़ दिए, उन्होंने लॉकर के अंदर के ताले तोड़ दिए जिसमें जितना मेरा कैश ज्वेलरी सब कुछ रखी हुई थी, वो सब जितना भी कीमती सामान था जिसमें लगभग कितना कीमती सामान कैश को लेकर ज्वेलरी को लेकर क्या क्या कैश अराउंड 5 के आसपास था और ज्वेलरी भी कम से कम 10-12 तोले की थी। और इसके अलावा मतलब चांदी के सिल्वर कॉइन्स वगैरह थे। मेरे बेटे की शादी होने वाली है तो मैं उसके लिए मतलब शादी की तैयारी कर रहा था। लगभग आप यही मान लीजिए 5 तो कैश गया है और 10-12 तोले मेरा ज्वेलरी सोने का सामान गया। पुलिस की क्या था? पुलिस आई है, पुलिस कल आई थी। उन्होंने आसपास पूरे यहाँ पर सोसाइटी के CCTVs वगैरह
उन्होंने चेक करे हैं कि भाई कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए हैं, वो मेरे पास से सारी जो मेरी सीसीटीवी पे जो मेरी रिकॉर्डिंग थी वो सब ले गए हैं, और वो पुलिस वाले भी अपना ये सारा डाटा ले गए हैं और फॉरेंसिक वाले फिंगरप्रिंट्स ले गए हैं, और कल रात को वो मतलब 1 बजे तक रहे थे, 1 बजे तक उन्होंने सारा वो करके, और मुझे को यही बोला है कि शायद वो आज मुझे फ़ोन करेंगे, तो मैं बस उन्हीं के फ़ोन का वेट कर रहा हूँ कि आगे की क्या कार्रवाई हो रही है। क्या लगता है पुलिस सही कार्रवाई करेगी या ठंडे रखेंगे? अभी तो देखिए अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए, अब तो 12 घंटे हुए हैं, तो मैं तो अभी कुछ कह भी नहीं सकता। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जिस मतलब पुलिस ने जिस मतलब इंटरेस्ट से वो आए थे रात को, जो इन्होंने वो करा, और उसका क्या निकलता है मुझे खुद नहीं पता है, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। मैं खुद मतलब मेंटली इतना अपसेट हूँ, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ और मैं मेरे भाई हम दोनों जन रहते हैं यहाँ पर, और तो मैं क्या बताऊँगा। मैं मतलब दिन दिहाड़े 4 बजे सामने से आगे चलती रोड पे ताला खोल दे या तोड़ दे, दरवाजे तोड़ दे, और कोई कोई देखता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। मैं अपनी जितनी सुरक्षा कर सकता था मैंने सीसीटीवी वगैरह सब जगह लगा रखे थे, अगर उसके बावजूद भी अगर मैं सेफ नहीं हूँ तो फिर कहाँ हूँ सेफ। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8506973234।